अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में हो रहे कामों से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। हमीरपुर डीसी कार्यालय के बाहर एबीवीपी के दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर जल्द छात्रों की मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एबीवीपी हमीरपुर जिला संयोजक सचिन लगवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार छात्रों की समस्याओं को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा लटका हुआ है तो छात्रवृत्ति घोटाले की जांच आज दिन तक नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए, साथ ही छात्र संघ चुनावों की बहाली जल्द की जाए। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को अभी तक स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो अभी भी तीन तीन कैंपसों में चल रहा है। सरकारें बदल रही हैं लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा अभी भी अधर पर लटका हुआ है। छात्रवृत्ति घोटालों की बात करें तो विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे समय से इसके खिलाफ आवाज़ उठाती आई है। प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति घोटालों की जाँच CBI को तो सौंप दी गई है लेकिन अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि जाँच शुरू की गई या नहीं की गई। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द उन शिक्षा के व्यापारियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए जिन्होंने करोड़ों रुपया छात्रवृत्ति के नाम पर हजम कर लिया है। छात्र संघ चुनावों की बात करें तो विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे समय से मांग कर रही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएँ लेकिन विद्यार्थी परिषद को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि छात्र संघ चुनावों में हिंसा होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल तो विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन के टाइम भी हिंसा के कुछ किस्से सामने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को भी बंद कर दें। विद्यार्थी परिषद एक और मांग करती है कि प्रदेश में संस्कृत व खेल विश्वविद्यालय खोले जाएं। एबीवीपी के सदस्य शालीन शर्मा ने कहा कि कॉलेजों में लगातार फीस बढ़ती जा रही है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय में स्टाफ की भर्ती को लेकर बरती गई अनियमितताओं पर जांच होनी चाहिए। दे रहे हैं धरना और जो फीस वृद्धि हुई है उसके लिए दे रहे हैं कि फीस को जो है वो वापस लेना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो कुछ जगह पे कुछ कॉलेजेस में कुछ विश्वविद्यालय में जैसे कि नौणी का विश्वविद्यालय है उसमें और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिसमें SC ST एक्ट जो है उसका जो है वो काफ़ी स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो खपन कर दिया गया हुआ है, तो उसके लिए भी है ये धरना।